सो 10th क्लास आज जो हम नेशनलिज्म इन इंडिया वाला जो चैप्टर है उसका नेक्स्ट पार्ट हम जो है वो पढ़ने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं और इसको हम समझेंगे कि एक्चुअल में जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था जब वो महात्मा गांधी ने उसको विड्रॉ कर लिया तो उसके बाद किस तरह के सर्कमस्टांसेस भारत के अंदर जो है वो डिवेल्प होने स्टार्ट हुए। 1922 में फरवरी 1922 में अभी हम पढ़ के हटे हैं कि वहाँ पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी ने विड्रॉ कर लिया था जस्ट बिकॉज ऑफ द इंसिडेंट दैट हैपन इन चौरी चौरा गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट इन यूपी। इसमें 22 जो सिपॉयज थे ब्रिटिश पुलिस के वो उनको जिंदा जला दिया गया था। उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को महात्मा गांधी ने विड्रॉ कर लिया क्योंकि उनको लगा कि ये मूवमेंट बहुत सारी जगह वॉयलेंट हो रहा है और सत्याग्रही जो हैं उन्हें एक अच्छे तरह से उन्हें एक अच्छे लेसन की ज़रूरत है, उन्हें एक अच्छे जो है वो अच्छी तरह से उन्हें ट्रेन किया जाना चाहिए, अच्छी ट्रेनिंग की उन्हें ज़रूरत है, उसके बाद ही वो अपने आप को मास स्ट्रगल के लिए एक बड़े व्यापक जन आंदोलन के लिए अपने आप को तैयार कर सकेंगे। अब बेटा बारी आती है कि कांग्रेस जो थी वो कुछ लीडर्स कांग्रेस के अंदर भी अब इस बात से थक चुके थे कि मास स्ट्रगल जो है ये अब इसको कंट्रोल करना लीडर्स के बस की बात नहीं है और कभी ना कभी कुछ ना कुछ इंसिडेंट ऐसा ज़रूर होगा जिससे इस मास मूवमेंट को महात्मा गांधी फिर से बीच में रुकवा देंगे। तो अब वो ये चाहते थे कि अब जो इलेक्शंस आने वाले हैं प्रोविंशियल काउंसिल्स के ब्रिटिश भारत में, उन इलेक्शंस में कांग्रेस प्रॉपर पार्टिसिपेट करे। यानी कांग्रेस के अंदर एक पूरी तरह से एक ग्रुप ऐसा बन चुका था जो मास मूवमेंट्स के अगेंस्ट था और ये चाहता था कि कांग्रेस जो है वो ऐसे सभी जो इलेक्शंस हैं जो ब्रिटिश काउंसिल्स के करवाए जा रहे हैं उन प्रोविंशियल काउंसिल्स के इलेक्शन में जो कांग्रेस है वो उस अपनी अपना रोल प्ले करे, उसमें पार्टिसिपेट करे और अपने कुछ मेंबर्स इलेक्ट करके प्रोविंशियल काउंसिल्स में भेजे। उनको ऐसा लगता था कि ब्रिटिश पॉलिसीज़ को अपोज करना काउंसिल्स में कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बजाय इसके कि कांग्रेस बाहर रह करके मास मूवमेंट करे। और वो ये भी मानते थे जो लोग थे जो पर्टिकुलरली ये ग्रुप था ये इसको इस बात में भी जो था ये थोड़ा सा इसको डाउट की नज़र से देखता था कि कांग्रेस का मास मूवमेंट वाला जो ट्रिक है या जो ये मास मूवमेंट का जो फार्मूला है ये बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा और ये जल्दी ही इसको कांग्रेस को विड्रॉ करना पड़ेगा। लेकिन जो इसके अपोनेंट्स थे वो ये भी मानते थे कि जो अगर हमारे रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होकर के काउंसिल्स में चले जाएंगे तो जो उनका जो वो अपना अपोजिशन जो शो करेंगे वहाँ पर उनकी बात सुनी नहीं जाएगी तो इसलिए वहाँ जाना बेकार है। लेकिन फिर भी सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने मिल करके कांग्रेस के अंदर ही स्वराज पार्टी बना ली। ये वर्ड ध्यान रखना बेटा, विद इन कांग्रेस उन्होंने स्वराज पार्टी बनाई, कांग्रेस से बाहर नहीं, कांग्रेस के अंदर रह के ही उन्होंने स्वराज पार्टी बना ली और जिस पे उन्होंने ये कहा कि अब जो है वो काउंसिल पॉलिटिक्स की तरफ लौटने का टाइम है और कांग्रेस को इसमें जो है वो अब लीड रोल प्ले करना चाहिए। पर कांग्रेस उन दिनों जो थी वो कुछ यंग लीडर्स के हाथ में कांग्रेस की कमांड जो थी वो जा चुकी थी, जैसे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, ये ज़्यादा सोशलिस्ट लीडर्स थे, इन्होंने इस बात के रेडिकल लीडर्स थे, इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नहीं कांग्रेस जो है वो मास एजिटेशन का जो अपना फार्मूला है उसको छोड़ेगी नहीं जो महात्मा गांधी ने रास्ता दिखाया, क्योंकि महात्मा गांधी को अपना जो था वो अपनी इंडिया का फॉर्चून मेकर मान चुके थे कि महात्मा गांधी आगे चल करके भारत का भाग्य लिखेंगे। इसलिए इन्होंने कांग्रेस के जो सी आर दास और मोतीलाल नेहरू वाला जो ग्रुप था उससे अपने आप को उस एक्टिविटी से टोटली अलग कर लिया। जबकि कांग्रेस के अंदर इस टाइम पर बेटा इंटरनल डिबेट चल रही थी, एक तरह से जो था वो दोनों में मतभेद था, तो इससे इंडियन पॉलिटिक्स जो थी वो 1920s तक पहुंचते पहुंचते लगभग एक अलग हालात में पहुंच चुकी थी। पहला जो इसका वो था इफेक्ट था वो इसके साथ साथ नया जो एक मूवमेंट 1930s में स्टार्ट होने वाला था उसके लिए एक तरह की सरकमस्टांसिस जो थे वो बनने तैयार हो गए। जैसे जो पहला इम्पैक्ट पड़ा या जो पहला कॉज बना दूसरे गांधी जी के बड़े मूवमेंट के मास मूवमेंट के स्टार्ट होने का वो आएगा, वो बनेगा द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। ये इकोनॉमिक डिप्रेशन क्या था बेटा ध्यान से देखो, आप किस बुक में ध्यान से सुनो, आप इसकी बुक इस बुक में कुछ ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं आपको बताया गया है, लेकिन आपको चूँकि इस तरह से हमें समझने में चीज़ों को कंसेप्ट क्लियर करने में आसानी होगी इसलिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ये वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन क्या था। देखो बेटा, अमेरिका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में किसी भी साइड से वॉर में इन्वॉल्व नहीं हुआ था जब तक कि जर्मनी की यू बोट्स ने एक ब्रिटिश पैसेंजर शिप को नहीं डुबो दिया जिसमें अमेरिकन सिटीजन शामिल थे। उसके शामिल होने से और अमेरिका को वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में इंटरवीन करना पड़ा। अमेरिका के इंटरवीन करने की घटना से पहले तक अमेरिका दोनों साइड के जो कंट्रीज थे उनको वेपन सप्लाई कर रहा था, आर्म सप्लाई कर रहा था और प्रॉफिट गेन कर रहा था।
अमेरिका के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एंट्री होने के बाद, जो कि अमेरिका ने ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसएसआर की तरफ से ली, इस वर्ल्ड वॉर में एंट्री के बाद ही ये जो वॉर थी वो वन साइडेड हो गई, अमेरिका वाली साइड जीत गई। अब अमेरिका को ये लगा क्यों, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने पहली बार पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ की इकोनॉमी को बिल्कुल टार्निस्ड करके रख दिया था, तोड़ के रख दिया था। इसलिए अमेरिका को लगा कि शायद अब बहुत लंबे समय तक यूरोपियन कंट्रीज़ की इकोनॉमी सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो सकेगी और ये उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है यूरोप के साथ बिजनेस करने की। अब ऐसे में, ध्यान से सुनना बेटा, अब ऐसे में जो अमेरिकन बिजनेसमैन थे और जो अमेरिकन प्रोड्यूसर्स थे, जो अमेरिकन गुड्स को प्रोड्यूस करते थे और पूरे वर्ल्ड वाइड पर्टिकुलरली यूरोप में उसकी ज़बरदस्त सेल करवाते थे, उन्होंने ये सोचा कि अब हमारे पास टाइम है कि हम यूरोप को जो है वो कंटिन्यूसली सप्लाई को अपनी बिल्कुल एक हाई लेवल तक ले जाएं, और उसके लिए ज़रूरी है कि अब हम अपने पास स्टॉक बना कर रख लें, स्टॉक करके बहुत सारी चीज़ों को रख लें। तो उन्होंने स्टॉक करना स्टार्ट कर दिया। अब वो स्टॉक इतना ज़्यादा हो गया कि धीरे धीरे यूरोप के अंदर जो मोस्टली कंट्रीज़ थे वो अपने पैरों पर फिर से इंडिपेंडेंट होने लगे, खड़े होने लगे, वो इकोनॉमिक कंडीशंस की अगर हम बात करें, और अमेरिकन जो गुड्स थे उनकी सप्लाई और उनकी डिमांड दोनों ही यूरोप में गिरने लगी। तो जैसे ही अमेरिकी सप्लाई यूरोप के अंदर कम हुई तो जो फैक्ट्री ओनर्स थे उनको प्रॉफिट मिलना बंद हो गया, क्योंकि उनके पैसा जो था, उनका सारा मनी जो इन्वेस्टमेंट थी वो गुड्स में थी, वो गुड्स अमेरिका में ही थे, वो सेल नहीं हो पाए। जब वो सेल नहीं हो पाए तो वो बैंकों का पैसा नहीं दे पाए, बैंकों के जो पैसा जो शेयर मार्केट में भी लगा हुआ था और शेयर मार्केट में इंडस्ट्रियल्स का पैसा लगा हुआ था, वो शेयर मार्केट गिरने लगे और एकदम से अमेरिका में 1929 में ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया। ये ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन जो था इसने पूरे वर्ल्ड को बहुत जल्दी अपनी चपेट में ले लिया, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में ट्रेड अमेरिकन डॉलर्स में होता था। तो इसका असर जो था वो एग्रीकल्चरल प्राइसेस पे भी पड़ा। ये एग्रीकल्चरल प्राइसेस 1926 से ही गिरना शुरू हो गए थे और 1930 के बाद तो बिल्कुल ही वर्स्ट कंडीशन में पहुंच गए। एग्रीकल्चर गुड्स की जो डिमांड थी वो गिरती जा रही थी, जो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स थे वो भी बिल्कुल लोवेस्ट लेवल पर थे। ऐसे में किसानों को बहुत मुश्किल हो रही थी, खासकर तौर पर कॉलोनीज़ के किसान, जैसे इंडिया जैसी कॉलोनी के किसान, जिनको कि अपनी फसलों को बेचने में बिल्कुल भी हेल्प नहीं मिल पा रही थी, और अगर वो फसलें नहीं बेच पा रहे थे तो इसका एक सीधा सा मतलब ये था कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे। और 1930 तक आते आते पूरे देश में लगभग जो किसान थे उनके सामने एक बहुत ही मुश्किल प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी कि वो रेवेन्यू पे करने की कंडीशन में नहीं रह गए थे। अब दूसरा कॉज जो हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था उसके लिए दूसरा कॉज क्या था, दूसरा कॉज जो रिस्पॉन्सिबल था उसके लिए वो था साइमन कमीशन का फॉर्म किया जाना इंग्लैंड में। इंग्लैंड के अंदर नई गवर्नमेंट बनी थी जो टोरी पार्टी की गवर्नमेंट थी, और इस गवर्नमेंट ने भारत में चल रही उठापटक को शांत करने के लिए अपनी तरफ से, अपनी समझ से एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दी जिसको स्टैचुरी कमीशन कहा गया, और सर जॉन साइमन की लीडरशिप में इसको बनाया गया। और इसका पर्पस ये था कि ये कमेटी भारत जाएगी और प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेगी कि इंडियंस की प्रॉब्लम क्या है, क्यों इंडियंस जो है वो इतना ज़्यादा जो है वो डिमांड कर रहे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट से, ऐसी क्या वजह है, और अगर कोई ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज है तो ज़रूरी है तो ये उसको हमें रिकमेंड करेगी और फिर उसके बाद उसमें चेंजेस किए जाएंगे। लेकिन इस सबसे हैरानी की बात ये थी कि इस जो साइमन कमीशन था, इस कमीशन के अंदर एक भी जो पर्सन था वो मेंबर इंडियन नहीं था। अब इंडियंस को ये बात बहुत ऑकवर्ड लगी कि जो कमीशन इंडिया की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए बनाया गया उस कमीशन में एक भी इंडियन मेंबर जो है वो मौजूद नहीं है। अब इस बात को लेकर के भारत के अंदर रोष खड़ा हो गया, भारत के अंदर लोगों के मन में फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो गई कि अब इसको साइमन कमीशन इंडिया आ रहा है इंडियंस की प्रॉब्लम को सुनने के लिए, इसका बायकॉट किया जाए। तो जैसे ही साइमन कमीशन 1928 में भारत आया, हर जगह साइमन गो बैक के नारे लगे, गो बैक साइमन के स्लोगन जो थे वो लोग लगा इकट्ठे होकर के मॉब की शक्ल में लोग लगाया करते थे। इसके साथ साथ कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग थी दोनों ने मिलकर के इसके अगेंस्ट होने वाले सारे डेमोन्स्ट्रेशन में पार्टिसिपेट किया, और इस बात को देखते हुए कि साइमन कमीशन जहाँ जहाँ भी गया वहीं से साइमन कमीशन को एक ज़बरदस्त अपोजिशन को फेस करना पड़ा। एक इंसिडेंट जो फेमस है साइमन कमीशन के अपोज में है वो है अमृतसर में जो लाला लाजपत राय थे उनकी डेथ हो जाना। लाला लाजपत राय इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, मोर देन 75 ईयर्स उनकी एज थी, पुलिस ने बहुत ही बेरहमी से उनको मारा और जिस वजह से उनको चोटें लगी, काफ़ी सीरियसली इंजर्ड हुए वो, और 3 दिन के बाद हॉस्पिटल में अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई। तो उनकी डेथ ने साइमन कमीशन के विरोध में लोगों को भड़काने का, लोगों को प्रवोक करने का काम किया, और ये साइमन कमीशन का विरोध जो था वो और ज़्यादा तेज़ हो गया। अब ऐसे में जबकि साइमन कमीशन का पूरे देश में विरोध हो रहा था, उस समय का जो वॉइस राय थे लॉर्ड इरविन,
उन लॉर्ड एरविन ने 1929 में, अक्टूबर 1929 में, एक नई ऑफर दे दी इंडियन लीडर्स को कि अब इंडिया जो है वो डोमिनियन स्टेटस एक तरह से इंडिया को मिल जाएगा, और ये डोमिनियन स्टेटस जो है वो इसका कोई भविष्य उन्होंने नहीं बताया कि क्या इसका भविष्य होगा, और इसके लिए एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो ऑर्गेनाइज की जाएगी ताकि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है आने वाले टाइम में उसको डिसाइड किया जा सके। अब इस ऑफर से या इस जो डिक्लेरेशन थी इससे कांग्रेस के लीडर्स बिल्कुल भी खुश नहीं हुए, क्योंकि ये किसी भी तरह भारत के फ्यूचर को एड्रेस नहीं कर रहा था, ये किसी तरह भारत के लोगों के फ्यूचर को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था, लोगों की ड्रीम्स को, लोगों की एस्पिरेशंस को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था, इसलिए कांग्रेस ने इसको टोटली अपोज किया। अब जो रेडिकल्स थे कांग्रेस के अंदर, खासतौर पर जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, वो और ज़्यादा आक्रामक उन्होंने रुख अपना लिया, और ज़्यादा अग्रेसिव हो गए, और उन्होंने मिल करके इसको अपोज करने का डिसाइड किया, इसको अपोज करने के लिए पॉलिसीज बनानी स्टार्ट कर दी। ना ऐसे में दिसंबर 1929 में कांग्रेस का सेशन हुआ लाहौर में नियर द बैंक ऑफ रिवर रावी, और उस सेशन को लीड किया कांग्रेस के नए सोशलिस्ट जो यंग लीडर थे जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने अब जवाहरलाल नेहरू के लीडरशिप में कांग्रेस की जो कमेटी थी, जो उस जो सेशन था कांग्रेस का, उसको लीड करने के लिए बनाई गई थी, वहाँ पर एक रेजोल्यूशन पास किया गया, जिस रेजोल्यूशन में कांग्रेस ने ये डिक्लेयर किया कि अब तक जो कांग्रेस की डिमांड रहा करती थी कि इंडिया को एक डोमिनियन स्टेटस दिया जाए, अब से वो डिमांड कांग्रेस रिजेक्ट करती है, और कांग्रेस एक नई डिमांड अडॉप्ट कर रही है, और उस डिमांड को कहा गया टोटल इंडिपेंडेंस या पूर्ण स्वराज्य। तो ये पूर्ण स्वराज्य क्या था, यानी कांग्रेस के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द कांग्रेस, पूर्ण स्वराज्य डिमांड मीन्स द कांग्रेस द ब्रिटिशर्स विल हैव टू लीव इंडिया, भारत को छोड़ना उन्हें पड़ेगा, तभी ये पूर्ण स्वराज्य का जो टारगेट है ये अचीव किया जा सकेगा। इसके साथ साथ कांग्रेस ने ये भी आह्वान किया लोगों से कि अब लोग जो हैं वो हर साल 26 जनवरी को अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करें एज ए देर इंडिपेंडेंस डे, और साथ ही ये ओथ भी लें कि जब तक वो इंडिपेंडेंट गेन नहीं कर लेंगे तब तक वो लोग आराम से नहीं बैठेंगे। अब इसी को ध्यान में रखते हुए 26 जनवरी 1930 को पहला इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया, और भारत भर में लोगों ने ओथ ली, और ये आइडिया जो था वो और ज़्यादा धीरे धीरे पॉपुलर होता जा रहा था। इसी बीच में, इन सारी घटनाओं के बीच में, 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन जो वॉयस रॉय थे उनको एक लेटर दिया, जो 11 डिमांड जिसमें इंक्लूडेड थी, ये 11 डिमांड का लेटर महात्मा गांधी ने हैंड ओवर किया वॉयस रॉय लॉर्ड इरविन को। इसमें कुछ मेन डिमांड थी, जैसे इंडिया जो थे, इंडियंस जो थे, वो ये चाहते थे कि सॉल्ट पर से टैक्स हटा लिया जाए, क्योंकि सॉल्ट जो है वो एक कॉमन इंडियन के भी खाने के काम आता था, गरीब अमीर दोनों उसके साथ जो थे वो आइटम्स में खाने की वो शामिल करते थे सॉल्ट को। इसके साथ साथ और दूसरी बहुत सारी डिमांड्स थी कांग्रेस की, जैसे नॉन पॉलिटिकल पॉलिटिकल जो प्रिजनर्स हैं उनको छोड़ा जाए, और उनके ऊपर जो फॉल्स केसेस रजिस्टर्ड हैं उनको कम किया जाए या उनको रिड्यूस किया जाए। तो इस सारी डिमांड के साथ ये जो लेटर था ये इरविन के पास गया, लेकिन जैसा कि ये इस लेटर के अंदर मेंशन था, महात्मा गांधी ने ये भी डिक्लेयर किया था, एक एक तरह का अल्टीमेटम दिया था लॉर्ड इरविन को कि अगर उन्होंने ये 11 डिमांड्स नहीं मानी तो महात्मा गांधी एक बड़ा नया मूवमेंट खड़ा कर देंगे, जो मूवमेंट शायद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से भी ज़्यादा बड़ा होगा। और उसके साथ उन्होंने डिक्लेयर किया था कि वो खुद जो है वो सॉल्ट लॉ को ब्रेक करेंगे, पर ये डिमांड जैसा कि उम्मीद थी लॉर्ड इरविन ने ये डिमांड्स नहीं मानी, और इसके बाद महात्मा गांधी जो थे उन्होंने अपने 78 फॉलोवर्स के साथ मिलकर ये सॉल्ट टैक्स को डिफाई करने के लिए, सॉल्ट टैक्स को गलत ठहराने के लिए या सॉल्ट बनाने के लिए, उन्होंने अपने जो गुजरात में अहमदाबाद में साबरमती रिवर के किनारे आश्रम था वहाँ से उन्होंने एक पैदल मार्च शुरू किया। ये मार्च उन्होंने आयोजित किया गुजरात में कोस्टल एरिया में स्थित दांडी तक, जो 240 माइल्स अवे था उनके साबरमती आश्रम से, और इसको उन्होंने अपने 78 फॉलोवर्स के साथ जो था वो स्टार्ट किया, और 24 डेज में उन्होंने ये पूरी यात्रा, जिसे डांडी मार्च भी हिस्ट्री में डांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है, ये उन्होंने पूरी की। लगभग वो और उनके वॉलेंटियर्स एक दिन में 10 मील के करीब, 10 माइल के करीब जो थे वो चला करते थे। महात्मा गांधी की पॉपुलैरिटी का आलम ये था, महात्मा गांधी की पॉपुलैरिटी इस कदर बढ़ गई थी कि जहाँ जहाँ से भी वो निकलते और जहाँ रुकते वो, लोगों की भीड़ अपने घर अपने अपने सब अपनी प्रॉपर्टी को छोड़कर लोग जो थे वो उनके साथ चल देते, और ये जो था धीरे धीरे जो 78 फॉलोवर्स थे बढ़ते बढ़ते ये कई लाख में पहुंच गए, और जब अल्टीमेटली महात्मा गांधी 6 अप्रैल को दांडी पहुंचे तो जो नमक कानून तोड़ना था या नया नमक जो बनाया जाना था, नमक जो बनना था, उसने एक
फेस्टिव का एक फेस्टिवल का रूप ले लिया और एक फेस्टिवल की तरह उसको ऑर्गेनाइज किया गया वहाँ पर। और महात्मा गांधी ने वहाँ नमक, समुद्र के पानी को उबाल कर जो था वो नमक बनाया, और इस तरह से जो ब्रिटेन का जो सॉल्ट टैक्स था उसको अपोज़ किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के सॉल्ट टैक्स को, कॉलोनियल गवर्नमेंट के सॉल्ट टैक्स को उन्होंने अपोज़ किया। अब यहाँ एक क्वेश्चन और खड़ा होता है बच्चे, कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से किस तरह अलग था। ये मोस्टली क्वेश्चन जो है ये बोर्ड में आता है, बोर्ड के अंदर इस क्वेश्चन को दिया जाता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या था। तो यहाँ हमें कुछ डिफरेंस ध्यान में रखने हैं। जैसे जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसमें लोगों को कहा गया था कि आप सिर्फ कोऑपरेट मत करो, बाकी और लोगों के लिए कोई वो डिक्लेरेशन नहीं थी, सिर्फ ये बात थी कि आप कोऑपरेट मत करो। लेकिन इसके साथ साथ इस मूवमेंट में ये कहा गया था कि आपको लॉज भी तोड़ने हैं, कॉलोनियल जो लॉ हैं जो आप लोगों के लिए बनाए गए हैं आपने उनको ब्रेक करना है। तो एक तो डिफरेंस ये था। दूसरा डिफरेंस ये था कि जो वो मूवमेंट था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, वो मूवमेंट एक एक इंसिडेंट की वजह से बंद कर दिया गया था, लेकिन इस मूवमेंट में जो था वो अभी तक ऐसा कोई वो देखने को नहीं मिला था कि किसी घटना की वजह से महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को विड्रॉ किया हो। तो ये डिफरेंस के कुछ एक जो थे वो रीजंस थे दोनों के बीच में डिफरेंस अगर हम कंपैरिजन करें तो। इसके बाद जो जैसे ही महात्मा गांधी ने सॉल्ट टैक्स सॉल्ट जो लॉ था वो तोड़ा, और पूरे भारत के अंदर उन्होंने कांग्रेस के जितने वर्कर्स थे उन सबको ये आह्वान किया, उन सबको कहा कि अब आपने अपनी अपनी सामर्थ्य के हिसाब से नमक बेचना है और फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को डिलीवर करना है। तो पूरे भारत में जो कांग्रेसी वर्कर्स थे, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, वो नमक बेचने लग पड़े। इसके अलावा जो गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्रीज थी उनके सामने डेमोन्स्ट्रेशन किया गया, उनकी पिकेटिंग की गई। इसके साथ साथ जो फॉरेन क्लोथ्स थे उसको बॉयकॉट किया गया, शराब की दुकानों के आगे भी पिकेटिंग की गई, और पीजेंट जो थे उन्होंने रेवेन्यू देने से मना कर दिया, चौकीदारी टैक्सेस उन्होंने सबमिट करवाने से मना कर दिया, और जो विलेज के जो ऑफिशियल्स थे जिनको ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट अपॉइंट करती थी उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, और बहुत सारी जगहों पर जो फॉरेस्ट लोग, फॉरेस्ट में रहने वाले जो लोग थे उन्होंने कई जगह पर लॉज को वॉयलेट किया। कैसे वॉयलेट किया? उन्होंने वॉयलेट किया रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में जाकर जहाँ पर उनका जाना रिस्ट्रिक्टेड था। इसके साथ साथ उन्होंने वुड को कलेक्ट करके और अपने कैटल्स को उस एरिया में ले जाकर के इन लॉ को जो था वो ब्रेक किया। अब इन सारी घटनाओं से जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी धीरे धीरे उसने कांग्रेस के लीडर्स को अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। देश के हर पार्ट से जो कांग्रेस के लीडर्स थे, बड़े लीडर्स, उनको वन बाय वन करके अरेस्ट किया जाने लगा। ऐसे ही एक लीडर थे अब्दुल गफ्फार खान। ये अब्दुल गफ्फार खान जो बहुत बड़े हम कह सकते हैं कि भक्त थे, डिवोटी थे महात्मा गांधी के, इनको अरेस्ट कर लिया गया 1900 अप्रैल 1930 में। अब इनकी गिरफ्तारी के विरोध में पेशावर में जो पाकिस्तान में है वहाँ पर गुस्साई भीड़ ने बहुत सी जगह डेमोन्स्ट्रेट किया, और इसके अलावा जो गाड़ियाँ थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की या जो पुलिस वो थी वहाँ पर उन सबके आगजनी की, उनको आग लगा दी। इसके बाद पुलिस ने फायरिंग की, पुलिस ने लोगों पर फायरिंग की, बहुत सारे लोग मारे गए, निर्दोष लोग मारे गए। एक महीने बाद जो थे महात्मा गांधी खुद भी अरेस्ट हो गए, और जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे शोलापुर के उन्होंने पुलिस पोस्ट पर हमला किया, म्यूनिसिपल बिल्डिंग्स के ऊपर अटैक किया, लॉ कोर्ट्स पर अटैक किया, रेलवे स्टेशन पर अटैक किया। तो ये और उन सारे स्ट्रक्चर्स को पूरे भारत में अटैक किया गया जो ब्रिटिश रूल को जो थे रिप्रेजेंट करते थे। अब गवर्नमेंट जो थी वो इन सब घटनाओं से डर कर गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी अडॉप्ट कर ली कि ब्रूटल जो है वो रिप्रेशन किया जाए। तो जहाँ भी सत्याग्रही थे, जहाँ कांग्रेसी वर्कर्स थे उनको अरेस्ट किया गया, बहुत बुरी तरह उनको मारा गया, जेलों में डाला गया, उनके ऊपर मुकदमे झूठे फाइल कर लिए गए, और इस तरह से जो सत्याग्रही थे उनके ऊपर प्रॉपर अटैक किया गया। इसमें विमेन और चिल्ड्रन जो थे उनको भी नहीं बख्शा गया, उनको भी बहुत बुरी तरह मारा गया। और पूरे भारत में अगर हम देखें तो एक स्टैट पर गवर्नमेंट के स्टैट के अकॉर्डिंग 1 लाख के करीब जो लोग थे वो अरेस्ट कर लिए गए। अब ऐसी सिचुएशन में महात्मा गांधी ने एक बार फिर से जो मूवमेंट था उसको जो है वो रोकने का उन्होंने सोचा, और इस बीच में कांग्रेस और महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में एक पैक्ट हुआ जिसे हम गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जानते हैं। ये पैक्ट हुआ 5 मार्च 1931 को। इस पैक्ट में दोनों साइड के दोनों जो साइड्स हैं उन्होंने एक दूसरे की कुछ डिमांड्स को एक्सेप्ट करने का डिसीजन लिया। जैसे महात्मा गांधी ने ये माना कि वो फॉर द टाइम बीइंग इस मूवमेंट को पोस्टपोन करेंगे और वो जाएंगे इंग्लैंड रिप्रेजेंट करने कांग्रेस पार्टी को सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बेटा इसलिए हो रही थी क्योंकि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गई थी, क्योंकि उसमें सबसे बड़ी पॉलिटिकल जो जमात थी भारत की कांग्रेस उसने पार्टिसिपेट नहीं किया था। लेकिन जो महात्मा गांधी थे उन्होंने इस बात को इस बार सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए डिसाइड किया। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने अपनी तरफ से ये बातें मानी कि एक तो वो जो
नॉन क्रिमिनल हैं, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, उनको जेलों से रिहा कर दिया जाएगा, फॉल्स केसेस नहीं होंगे, जो ब्रुटल पॉलिसी है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने या पुलिस ने अडॉप्ट कर रखी थी उसको रिड्यूस किया जाएगा, और इंडियंस के साथ आक्रामक तरीके से बिहेव नहीं होगा। वहाँ गए महात्मा गांधी लंदन में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए, पर वो नेगोशिएशन जो थी, बातचीत जो थी, वो फेल हो गई और महात्मा गांधी डिसअपॉइंट होकर वापस इंडिया लौट आए। अब जब महात्मा गांधी वापस इंडिया लौटते हैं तो उस टाइम पर वो ये देखते हैं कि भारत में एक नई तरह के दमन का दौर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू दोनों अभी भी जेल में थे और कांग्रेस जो है उसको इलीगल डिक्लेयर कर चुके थे लॉर्ड इरविन, और भारत भारत में जो है वो बहुत सारी चीज़ें गलत चल रही थी। जो इस बात को देखते हुए महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रीलॉन्च कर दिया और महात्मा गांधी को जेल में डाल दिया गया, और एक साल के बाद ये मूवमेंट जो था 1934 तक आते आते मूवमेंट जो था वो अपनी जो पेस थी उसको खो चुका था, क्योंकि सारे बड़े लीडर्स जेल में थे, मूवमेंट को कोई दिशा दिखाने वाला लीडर्स बाहर नहीं था। तो अगली क्लास में हम ये देखेंगे बेटा कि इस मूवमेंट ने ये मूवमेंट कैसे डिवेलप हुआ और कौन कौन से ऐसे सेक्शंस थे जिन्होंने इस मूवमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और कौन से सेक्शन थे जिन्होंने मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया और क्यों नहीं किया। तो ये हम अगले चैप्टर अगले टॉपिक अगले क्लास में अगले इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच।